राहीकुम स्टूडेंट दिस इज़ दैप्टर नंबर थ्री बुक टू डू टू डे वी स्टार्ट इट एक्सपेंशन एंड फैक्ट्राइजेशन ऑफ कॉर्डेटिक्सप्रेशन एक्सपेंशन मीन्स किसी चीज़ को एक्सपेंड करना खोल कर उसको बताना कि उसकी डिटेल में उसका आंसर जो है नो बड़ा करना ठीक है कि एक्सपेंड करना उसको uh, सारा बताना जो भी उसमें ऑपरेशन है उनके साथ जो है ना उसको एक्सपेंड करना और फैक्ट्राइजेशन है द ऑपरेशन ऑफ रीसॉल्विंग अ क्वान्टिटी इन टू फैक्टर ठीक है जो आपको एक्सप्रेशन दी गई होगी उसको आपने रिसोल्व करते हुए उसके फैक्टर्स में बनाने हैं ठीक है ये हम सारा इस चैप्टर में देखेंगे और किसका बनाना है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ठीक है लास्ट चैप्टर आपने लीनियर का किया था अब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होती क्या है जिस एक्सप्रेशन की जैसे पावर मैक्सिमम पावर टू होगी वो है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ठीक है जो हमारे पास वेरिएबल्स आ रहे हैं उनकी पावर टू होगी वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ठीक आज हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं नाउ स्टूडेंट्स एक्सरसाइज थ्री ए ऑफ बुक डी टू दिस इज़ क्वेश्चन नंबर वन एक्सपैंड एंड और ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन ठीक है एक्सपैंड करना या उसको सिम्पलीफ़ाई करना जो हमें एक्सप्रेशंस दी गई हुई हैं उनको अभी मैंने आपको बताया क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस वो वाली एक्सप्रेशन जिसमें मैक्सिमम पावर टू हो ये देखें ये पावर टू दिस इज़ द पावर टू अब हमने इधर करना ये है कि पहले हमने जो है ना अपनी लाइक टर्म्स को जो है ना वो इकट्ठा कर लेना है लाइक like टर्म्स कौन सी हैं जिनकी पावर सेम होगी जिन वेरिएबल्स की ये एक्स की पावर टू ये एक्स की पावर टू ठीक और ये कांस्टेंट जो है ना ये एक ये लाइक like टर्म्स है। पहले हमने ले आने लाइक like टर्म्स को इनके इक्वल और ये 19 माइनस एट ठीक है फिर हमने इसको सॉल्व कर लेना है नाइन में सिक्स प्लस किया फ़िफ्टीन एक्स की स्केयर और ये 19 माइनस एट किया एलेवन ठीक स्टूडेंट एंड दिस इज़ द आंसर वेरी सिंपल ना हो दी पार्ट नंबर बी एक्स केयर टू एक्स ये अब आ गई हमारे पास ब्रैकेट भी आगे आ गई ठीक है और ये ब्रैकेट के बाहर माइन माइनस है माइनस का साइन है ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो हो जाएगा प्लस ठीक है ये एक मल्टीप्लिकेशन का टेबल है जो आपने क्वेश्चंस करते हुए जो है ना अब उसको लर्न करना है माइनस अगर माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो वो हो, आएगा प्लस प्लस अगर माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा माइनस माइनस अगर प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस और प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस प्लस सी ठीक है इट्स मीन्स के जब सेम टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी तो वो प्लस आएगा ठीक है और अगर कोई भी चेंज हो जाएगी ये टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं ठीक है ये ऑपरेशंस ये जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये माइनस आ जाएगा ठीक स्टूडेंट्स ये अब ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास प्लस आया प्लस इलेवन एक्स स्केयर ये माइनस फाइव एक्स माइनस वन ठीक है अब हमने जो है ना अपनी लाइक like टर्म्स को जो है ना वो बराबर में ले आना है इकट्ठे कर लेना है ये एक्स स् इलेवन एक्स स्केयर अब इधर एक्स भी है टू एक्स माइनस फाइव एक्स और ये माइनस सेवन माइनस वन ठीक इलेवन में वन प्लस किया ट्व ट्वेल्व एक्स स्केर और ये माइनस फाइव में से ये माइनस किए ये हमने ये होगा माइनस लेकिन बिग वाले का साइन आएगा माइनस का ठीक है ये अब आपने याद रखना है आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रहे ये प्लस माइनस हो रहे हैं आप कहें कि इधर ये आ जाएगा अगर इधर माइनस हो रहा होता ये जो बिगर वैल्यू है ना उसका साइन यूज़ होगा इधर बिगर है फाइव तो ये है थ्री एक्स ठीक अगर इधर फाइव प्लस का होता और यह माइनस टू का होता तो इधर प्लस फाइव आना था और ये माइनस माइनस साइन माइनस का ही और ये प्लस हुआ तो ये आपके पास एट आंसर आया ठीक है और ये आपका आंसर है पार्ट नंबर बी का नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर सी ये हमने ब्रैकेट ओपन कर ली माइनस थ्री वाई स्केयर प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया माइनस हो गया प्लस टू वाई स्केयर माइनस सिक्स वाई ठीक है ज़रा इसको अरेंज कर लें टू वाई स्केयर माइनस थ्री वाई स्केयर माइनस सिक्स वाई प्लस वाई ठीक लाइक टर्म्स को हमने साथ साथ लिख लिया ये लाइक टर्म्स तीन को साथ लिख लिया ये लाइक टर्म्स तीन को साथ लिख लिया ये माइनस like किया ये बिगर वाला बिगर वैल्यू है थ्री तो ये आपके पास आया माइनस वाई स्केयर और इधर आया माइनस फाइव वाई ठीक है ये प्लस माइनस होगा माइनस और साइन जो है ना वो बिगर वाली वैल्यू की आएगी ठीक ये आ गया और ये आंसर है हमारे पार्ट नंबर सी का नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर डी फाइव एक्स की स्केयर माइनस एक्स ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ और ये माइनस माइनस प्लस इस इधर भी जिसके साथ कुछ भी नहीं लिखा होता वो प्लस हम उसको कॉन्सिडर करते हैं ठीक है ये प्लस हुआ माइनस प्लस माइनस और ये माइनस माइनस प्लस ठीक है ये टेन एक्स आ गया आपके पास ये अब लाइक like टर्म्स को आप साथ ले हैं ठीक ये इसमें से माइनस हुआ तो आपके पास आया फोर एक्स की स्केयर और टेन में से वन माइनस हुआ तो आपके पास आया नाइन एक्स ठीक ये आपका आंसर है पार्ट नंबर डी का ठीक नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर ई ये माइनस इन तीनों टर्म्स के साथ जो है ना वो मल्टीप्लाई होगा इन टर्म्स के साथ और इनको जो है ना वो चेंज करेगा इधर भी प्लस है ये हो गया माइनस फोर एक्स की स्केयर ये हुआ माइनस नाइन एक्स और ये माइनस टू ठीक और नेक्स्ट थ्री एक्स की स्केयर माइनस सेवन एक्स प्लस टू अब हम लाइक like टर्म्स को जो है ना वो एक दूसरे के साथ जो है ना वो राइट डाउन कर लेंगे थ्री एक्स की स्केयर फोर एक्स की स्केयर प्लस थ्री एक्स की स्केयर माइनस नाइन एक्स माइनस सेवन एक्स और ये प्लस टू माइनस टू नाउ स्टूडेंट्स ये माइनस किया तो आया हमारे पास माइनस एक्स स्केयर ये थ्री में से फोर माइनस होगा और साइन जो बिगर वाली वैल्यू है उसका जो है ना हम यूज़ करेंगे ठीक ये माइनस ये नाइन में सेवन प्लस हुए तो आपके पास आ गया सिक्सटीन एक्स ठीक है और ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए ये कैंसिल हो गए टू में से टू माइनस ज़ीरो ठीक है ये ज़ीरो आ गया और यही जो है ना आंसर है हमारे ई पार्ट का नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर एफ माइनस प्लस ये माइनस वन हो गया माइनस माइनस ये प्लस सेवन वाई हो गया और ये माइनस प्लस माइनस माइनस ये प्लस एट वाई स्केयर हो गया ठीक है ये इससे मल्टीप्लाई हुआ ये हुआ टू वाई की स्केयर माइनस सिक्स वाई और माइनस टू ठीक है ये जो है ना ये आ गया अब आपने स्केयर वाली वैल्यूज़ के साथ स्केयर वाले को, को ज्वाइन कर लेना है ठीक सेवन वाई माइनस सिक्स वाई माइनस टू माइनस वन एट में टू प्लस किया ये आपके पास हो गया टेन वाई की स्केर ये हो गया प्लस वाई और ये माइनस थ्री ठीक ये आपके पास आ गई जो है ना आपके पास एफ पार्ट का और ये आंसर भी है वेरी सिंपल स्टूडेंट ये जब दो साइंस माइनस के आ जाते हैं उन्होंने प्लस होना होता है ठीक है वो प्लस होंगे तो उनका जो साइन है माइनस का आएगा ठीक ये आपको बातें याद रखनी है और थोड़ी इनकी प्रैक्टिस करनी है ठीक है ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहे साइंस जो मल्टीप्लिकेशन है वो इधर हो रही थी ब्रैकेट थी ये इधर मल्टीप्लाई हुआ है ये टू अंदर मल्टीप्लाई हुआ है लेकिन इधर बाहर प्लस था अंदर साइन चेंज नहीं हुआ अगर बाहर माइनस हो तो अंदर वाले तीनों के जो भी वैल्यूज़ होंगे उनके साइंस चेंज हो जाएंगे क्योंकि वो आपने देखा था कि माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस इस तरह जो है ना इनके साइन चेंज होंगे लेकिन ये बाहर प्लस हो तो वो अंदर वाले साइंस चेंज नहीं होंगे वो एज इट इज ही आ जाएंगे बस ये डिजिट इधर टू मल्टीप्लाई हुआ लेकिन इधर हम कर रहे हैं प्लस ठीक है इसको हम प्लस करेंगे जब दो वैल्यूज़ के साथ साइंस माइनस के आए तो उसको हम करते हैं प्लस और साइन माइनस का ही लगाते हैं ठीक है और जब दो वैल्यूज़ को माइनस करें जो बड़ी वाली वैल्यू की वैल्यू होती है प्लस होता, होता, होता है प्लस लगा देते हैं माइनस होता है माइनस लगा देते हैं ठीक है स्टूडेंट नाउ क्वेश्चन नंबर वन इज सॉल्व क्वेश्चन नंबर टू फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स होता है मल्टीप्लाई करना ठीक है इधर आपने ट्वेल्व को फाइव के साथ मल्टीप्लाई कर देना है ट्वेल्थ फाइव ज़्यादा सिक्सटी और ये एक साथ लिखा आ गया ठीक वेरी सिंपल इधर x के साथ ए, x मल्टीप्लाई होगा और x के साथ जब x मल्टीप्लाई होता है तो उनकी पावर्स क्या होती हैं एड इसकी पावर क्या थी वन इसकी पावर क्या थी वन और ये पावर हो गई आपके पास x की पावर टू ठीक है ये आपका आपके पास आ गया सिक्स एक्स के ठीक नेक्स्ट है आपके पास सी पार्ट x की एक्स मल्टीप्लाई होगा टू uh, के साथ तो आया सिक्सटीन और ये आपको पता है ये माइनस की वैल्यू है और ये प्लस की वैल्यू है तो इधर क्या साइन यूज़ होगा माइनस और एक्स एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आएगा एक्स स्क्वायर ठीक स्टूडेंट्स नाउ माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो वो हो जाएगा साइन प्लस का ठीक है साइन हमने प्लस का वैसे लगाना नहीं लेकिन आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ माइनस माइनस प्लस थ्री टेन्स आर थर्टी ठीक है और x एकस, x से मल्टीप्लाई हुआ तो उनकी पावर्स प्लस हो जाएंगी तो ये पावर आ गई इसके ठीक और ये हमारी जो है ना क्वेश्चन नंबर टू भी जो है ना वो सॉल्व नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर थ्री एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इनको आपने जो है ना वो एक्सपैंड करना है फोर थ्री जार ट्वेल्व एक्स एंड फोर फोर्थ सिक्सटीन ठीक है ब्रैकेट्स मीन्स के ये जो फ़ोर है ना इन दोनों वैल्यूज़ के साथ जो है ना वो मल्टीप्लाई हो रहा है फोर थ्री दार ट्वेल्व एक्स एंड फोर फोर दार सिक्सटीन ठीक है और ये आंसर आपका वेरी सिंपल ठीक है एक्सपैंड मीन्स यही कि आप इधर खोल कर उन वैल्यूज़ को बता रहे हैं ठीक है ये इधर थोड़ी सी बाउंड्री ना ये अंदर मल्टीप्लाई अगर कोई प्लस हो, हो रही है उनको प्लस माइनस करना है इस तरह जो है ना वो आपने करना है ठीक है ये अब देखें साइन साइन के साथ ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो ये प्लस का हो गया और सेवन सिक्स हजार फोर्टी टू और ये एक्स माइनस माइनस प्लस सिक्स थ्री हजार एटीन ठीक है ये माइनस प्लस माइनस एट एक्स और ये माइनस ट्वेंटी फोर ठीक स्टूडेंट्स टू फाइव के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो आया माइनस टेन एक्स और माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस टू ठीक है ये आंसर ठीक ये फाइव के साथ थ्री मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया फिफ्टीन एक्स और ये एक्स के साथ एक्स भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो इन दोनों की पावर्स प्लस हो जाएंगी तो ये हमारे पास आया टू ठीक और ये प्लस माइनस माइनस और फाइव फोर जार ट्वेंटी एक्स ठीक स्टूडेंट्स नाउ एफ पार्ट एट थ्री आर माइनस ट्वेंटी फोर एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स के और ए प्लस माइनस माइनस एट फाइव फोर्टी और ये एक्स सात ठीक स्टूडेंट्स नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर जी ये माइनस एंड दिस वन प्लस ये हो गया टेन और ये एक्स की वैल्यू माइनस माइनस प्लस फिफ्टीन एक्स स्केयर ठीक है ये आंसर आ गया आपके जी पार्ट का माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया एक्स स्केयर और फिर इधर माइनस माइनस प्लस और ये एक्स आंसर ठीक और ये एच पार्ट भी आपका जो है ना वो सॉल्व हो गया और ये क्वेश्चन नंबर थ्री इज आल्सो सॉल्व नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फोर एक्सपैंड एंड ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन ठीक है अभी इधर हमने इनको एक्सपैंड भी करना है और इन सिंप्लीफाई भी करना है ठीक है लेट स्टार्ट ये देखें आगे एक एक टर्म आ रही थी अब उन्होंने दो दो इस तरह की टर्म्स दे दी हैं इसमें फोर टू जार एट ए और फोर थ्री जार ट्वेल्व फाइव ए और फाइव थ्रीज आर फिफ्टीन लाइक टर्म्स को आपने साथ ले आना है एट ए प्लस फाइव ए ट्वेल्फ आर फिफ्टीन ठीक है एट नाइन थर्टीन हो गया थर्टीन ए और ट्वेल्थ में फिफ्टीन प्लस किया सेवन टू ठीक है एंड दिस इज़ द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर फोर पार्ट ए नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर बी नाइन फाइव आर फोर्टी फाइव और माइनस एटीन बी सिक्स थ्री हार एटीन माइनस फिफ्टीन बी आपने लाइक like टर्म्स को साथ ले आना है एटीन बी माइनस फिफ्टीन बी प्लस फोर्टी फाइव प्लस एटीन देखें ये दोनों साइन माइनस के हैं ये होगा प्लस का लेकिन ये इधर आएगा माइनस ठीक ये माइनस आया फिफ्टीन प्लस एटीन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन थ्री वन ये आ गया आपके पास ट्वेंटी थ्री बी और फोर्टी फाइव में एटीन प्लस करें एट ये आपके पास आया सिक्सटी थ्री ठीक स्टूडेंट्स इक्वल टू माइनस ट्वेंटी थ्री बी प्लस सिक्सटी थ्री नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर सी ये मल्टीप्लाई होगा सी इसके साथ थ्री सी ये स्केयर हो गया प्लस सी सी वन सी और इसको मल्टीप्लाई किया ये ओया टू सी स्केयर दोनों की पावर्स प्लस हो गई ये सिक्स सी थ्री सी स्केयर प्लस टू सी स्केयर प्लस सिक्स सी प्लस सिक्स सी ठीक है फाइव सी स्केयर प्लस सेवन सी ठीक है दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट नंबर सी नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर डी ये देखेंगे ये सिक्स इससे मल्टीप्लाई हो रहा है सिक्स फाइव जार थर्टी एंड डी 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 स्केयर और दिस वन इज सिक्स फोर ज़ार ट्वेंटी फोर डी प्लस टू सिक्स डी स्केयर प्लस माइनस माइनस फोर डी थर्टी डी स्केयर प्लस सिक्स डी स्केयर माइनस ट्वेंटी फोर डी माइनस डी ये हम लाइक like टर्म्स इन पे स्केयर है ये इसके पास लिख ली और ये इसके साथ लिख ली ठीक है थर्टी में सिक्स प्लस किया तो हमारे पास आया थर्टी सिक्स डी स्केयर और ये माइनस ट्वेंटी एट डी ठीक स्टूडेंट्स और यही आंसर है हमारे पार्ट नंबर डी का एंड क्वेश्चन नंबर फोर इज़ आल्सो फिनिश्ड नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फाइव एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन्स हमने इनको एक्सपैंड करना है ठीक है अब ये दो टर्म्स दी हुई हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही है इट्स मीन्स कि एक्स भी इससे मल्टीप्लाई हो रहा है और थ्री भी जो है ना इन सब से जो है ना वो मल्टीप्लाई हो रहा है ठीक है इसको हम करेंगे ऐसे कि एक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस सेवन से ठीक है क्योंकि एक्स इन बोथ से मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर हम थ्री को लिखेंगे एक्स प्लस सेवन से ठीक स्टूडेंट्स ये एक्स इस एक्स से मल्टीप्लाई हो हमारे पास आया एक्स स्केयर और एक्स सेवन से हुआ तो आया सेवन एक्स ठीक है और ये थ्री एक्स और सेवन थ्री आर ट्वेंटी वन ठीक स्टूडेंट्स ये आ गया ये सात ही लाइक like टर्म्स आ गई इधर एक्स हो है ही नहीं है सिर्फ दिस वन अकेला ही है ये तो एक्स के रहसे ही दिखा रहेगा नाव वी एट सेवन एंड थ्री वी गेट टेन एक्स एंड ट्वेंटी वन ठीक एंड दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट नंबर ए वेरी सिंपल नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर बी इसको भी हम इस तरह लिख लेंगे फोर एक्स के साथ ये पूरी वैल्यू इसको थ्री एक्स प्लस फाइव प्लस वन थ्री एक्स प्लस फाइव ट्वेल्व एक्स स्केयर प्लस ट्वेंटी एक्स थ्री वन ये इधरवानी आ रहा है थ्री एक्स और प्लस फाइव ठीक है ट्वेल्व एक्स स्केयर प्लस ट्वेंटी में वी एड थ्री ट्वेंटी थ्री एक्स एंड फाइव ठीक स्टूडेंट नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव इज आल्सो सॉल्व Uh, I hope you understand these exercise very well. Uh, and now question number 5 is solved. I hope you understand these questions very well. Thank you very much for watching my videos. Take care. Allah Hafiz.